हिमाचल प्रदेश के चेरी उत्पादन करने वाले बागवानों को कर्फ्यू व लॉकडाउन की वजह से संकट से गुजरना पड़ रहा है। ऊपरी शिमला के मध्यम एवं निम्न ऊंचाई वाले स्थानों में चेरी के पेड़ों से उतरने का काम शुरू हो चुका है। चेरी पकने के बाद जल्द खराब होने वाली फसल है, इसलिए जल्द मंडी पहुंचाना भी जरूरी होता है। बागवानों का कहना है कि चेरी पैकिंग के लिए खाली कार्टून भी इस बार बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुआ है। दूसरा, चेरी पेड़ों से निकालने के लिए मजदूरों की अधिक जरूरत होती है, ऐसे में चेरी बागवान हताश व परेशान हैं। कोरोना महामारी की वजह से मंडियों में खरीदार कम होंगे, इससे चेरी बागवानों को फसल की सही कीमत भी नहीं मिल रही है। हिमाचल में 450 हेक्टेयर क्षेत्र में चेरी बागवानी होती है और करीब 450 मीट्रिक टन चेरी का उत्पादन हर वर्ष होता है। चेरी बागवानों में 11,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। हालांकि क्षेत्र में इस बार चेरी की फसल ओलावृष्टि से नष्ट जरूर हुई है, लेकिन पूर्व वर्षों में चेरी 1 किलो पैकिंग 100 से 250 रुपए में मंडी में बिकती थी। इस बार चेरी किस दर पर बिकेगी, इसको लेकर भी बागवान चिंतित है। चेरी लगभग क्रॉप यहाँ पे तैयार हो गई है और 3 तारीख से जो है मंडियों में जाना शुरू हो जाएगी। और वैसे लाल चेरी जो है कुछ लोग शिमला के लिए भी 1-2 दिन से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गई है और कर्फ्यू पास भी बने हैं किसानों के। और APMC जो है अभी फिलहाल दिल्ली के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का है उसका अभी कुछ हो नहीं पाया है। 3 तारीख के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति होती है उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। अदरवाइज तो फसल जो है, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य आय का साधन है वो चेरी है, और अगर चेरी जो उत्पादन है बिल्कुल पीक पे है सीजन, अगर कहीं दिल्ली के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है तो सारे जो यहाँ पे किसान है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सूची जिन जिन ट्रकों में चेरी ले जानी है वो उन्हें उपलब्ध कराई जाए और वो जो है प्रशासन से इसकी अनुमति देंगे ताकि माल जो है दिल्ली जिन जिन का भी चेरी बची है वो जो है बेच सके। और हम तो ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के लिए गाड़ी के इंतजाम किए जाए, क्योंकि माल खराब हो रहा है, पक गया माल बहुत सारा, आधा आधा खराब हो रहा है। गाड़ी के इंतजाम किए जाए, अगर हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा गृहस्थी दूर हो जाएगी। सब लोगों की जिम्मेदार की जो लेबर रखी है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमारा यहाँ चेरी का सीजन चल पड़ा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें इतनी दिक्कत आ रही है। हमारा सीजन 22-23 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता था, लेकिन फिर मजबूरन हमें रोकना पड़ा। तो आज मई आ गई, अभी हमें उम्मीद थी कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा तो दिल्ली जाती थी हमारी चरियाँ, पर इस बार तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम तुड़ान शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये जाएंगी कहाँ, जाएंगी बिकेंगी भी कि नहीं, कोई पता क्या नहीं। रेट बताया जा रहा है आप लोगों को? हमें ज्योमेट्री की तरफ से कोई बोलता है 20-25-30, जो कि हमारी एक डब्बे की खर्चा कम से कम 60 आता है, और ये तोड़ना इतना मुश्किल है। इस पे लेबर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें इसके दाम नहीं मिल पा रहे, तो हम इसी पे डिपेंड है। पता नहीं क्या होगा, पूरी साल दवाइयों का इतना खर्चा आता है, खेतों में इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि हमें कुछ कॉपरेट करे, पर अभी तक हमें किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। लगभग मेरा वैसे तो माल 25 तारीख के आसपास टूट जाता है, तो आश्वासन मिलते रहे कि भाई लॉकडाउन के बाद हमारा जो चरी का वो है तब जाके बिकेगा, लेकिन हमारे को खाली आश्वासन ही मिलते रहे, ठीक है ना जी। और ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हुई, पहले तो खाली डब्बों की प्रॉब्लम आई हमारे को, बड़ी मुश्किल करके सोसाइटी ने डब्बा वगैरह वो करके, कभी बोलता है कि भाई माल बिकेगा नहीं बिकेगा, कभी दिल्ली जाएगा नहीं जाएगा, तो मतलब हमारा इसी में ही वो चलता रहा 6-8 दिन। आज हम माल को तोड़ रहे हैं, अब ये नहीं पता, तोड़ तो रहे हैं, अब ये नहीं पता ये बिकता है नहीं बिकता है, सरकार इसमें कोई वो इनिशिएट नहीं ले रही। हम